As you all know, we are learning question series. We are learning how to ask questions. So let's continue with our journey of asking questions. As we have studied two rules in this video, which were do does first form and did first form. Do does first form was present and did first form was past. So in this video we will learn our third rule, which is all about will plus first form. Now in this section we will see how in future tense we use this rule. जब भी हमें future की बात करनी होती है, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जहाँ किसी से future से related कुछ बात की जा रही है, वहाँ पर हम लगाते हैं will के साथ first form. अगर आप मज़े की बात एक देखो तो तीनों में ही first form आ रही है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. Present, past, future, in all three we are using first form. Past में did, present में do does, future में will. So let's see ये will first form लगेगा कैसे, कैसे यूज़ करना है. अगर आपको याद हो तो हमारा यूनिवर्सल रूल है हेल्पिंग अप स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स. सेम रूल विल बी अप्लाइड इन दिस सेक्शन ऑल्सो. सो लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रैक्टिकली. नाउ आवर थर्ड रूल इज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म. एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसे सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे. I, we, you, they, plural subjects, or he, she, it, name, any singular subject. So with all we are going to use will only, क्योंकि एक ही है. जहाँ हमने बात की थी present में वहाँ do और does था, do को अलग use किया, does को अलग use किया. Did एक ही था तो वहाँ पर भी हमने उसे सबके साथ use किया. Will भी एक है best part, तो हमें सबके साथ use करना है. हमारी एक tension कम हो जाती है कि singular क्या और plural क्या. राइट, सो विद ऑल सब्जेक्ट्स वी विल यूज़ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म. अब इसे यूज़ कहाँ करेंगे? अगर बात चल रही है फ्यूचर की तो एक कॉमन सेंस की बात आती है, हमारी जो हिंदी एंडिंग होगी वो हमेशा गा, गी और गे के साथ होगी. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कल ऑफिस जाओगे? क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? क्या तुम कोई अकेडमी ज्वाइन करोगे? गर्मियाँ आ रही है, क्या आप कुछ एक्सरसाइज के लिए प्लान करोगे? कुछ हॉबी क्लास ज्वाइन करोगे? कुछ भी काम करोगे. फ्यूचर की बात की जाएगी तो वहाँ हम यूज़ करेंगे विल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म. सो लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज क्या तुम ऑफिस जाओगे? इफ़ यू सी, हिंदी एंडिंग इज गे एंड आवर सब्जेक्ट इज तुम. तो स्टार्टिंग करेंगे सब्जेक्ट के साथ नो. सब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंसेस बिगिन करते हैं. ये हमारे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम बिगिन करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ. हमारा रूल कहता है विल के साथ शुरू करना है, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. सो हमारे सारे क्वेश्चंस शुरू होंगे विल के साथ, देन सब्जेक्ट, यू, दे, मदर, देन फर्स्ट वर्ड एंड अदर वर्ड्स. सो लेट्स सी, क्या तुम ऑफिस जाओगे? विल यू गो टू ऑफिस? क्या वो कक्षा में आएंगे? विल दे अटेंड द क्लास? और विल दे कम टू क्लास? बोथ आर फाइन. क्या माँ चाय लेगी? विल मदर टेक टी? ये वाला एक कन्फ्यूजन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया था. चाहे योर हो या सिर्फ मदर हो, हम उसको सिंगुलर मानते हैं. इफ़ आई से योर मदर, क्या आपकी माँ चाय लेंगी? सो विल योर मदर टेक टी? यहाँ पर यू और योर में कंफ्यूज नहीं होना है. यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है. ऑलराइट, सो लेट्स सी सम नेगेटिव एग्जांपल्स वेयर वी आर एडिंग ओनली नॉट. सिर्फ और सिर्फ हमें नॉट ऐड करना है. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, क्या वह घर नहीं जाएगी? सो विल शी नॉट गो होम? अगर ये होता क्या वह घर जाएगी, विल शी गो होम? क्या वह घर नहीं जाएगी, विल शी नॉट गो होम? सिर्फ नॉट लग जाएगा. सेम, क्या बच्चे प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे? विल किड्स नॉट कंप्लीट प्रोजेक्ट? क्या वह जंक फूड नहीं लेगा? विल ही नॉट टेक जंक फूड? नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड करना, विल, सब्जेक्ट, नॉट and then first form and other words. Same questions we can make with the help of WH family. How? WH family को starting में add करना है, बाकी सारा same रहेगा. If I say क्या तुम ऑफिस जाओगे? Will you go to office? अगर मैं बोलूँ आप ऑफिस कब जाओगे? When will you go to office? बाकी सारा same. Same if I say आप ऑफिस के लिए कब निकलोगे? When will you leave for office? वह कहाँ रुकेगी? कहाँ means where. वेयर आ जाएगा बिगिनिंग में, वेयर विल शी वेट? मेरी मदद कौन करेगा? अगेन कौन, डब्ल्यू एच फैमिली. सो हु स्टार्टिंग में आ जाएगा, हु विल हेल्प मी? इसमें सब्जेक्ट नहीं है, हु के साथ कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता. मेरी मदद कौन करेगा मुझे नहीं पता. सो देयर आई विल सिंपली से हु विल हेल्प मी. WH family, helping verb and other words. Same we can use these same questions in negatives also. How? Like this. WH family से begin किया, then will, subject, not, first form and other words. सारा same है. WH family starting में है, not बीच में है, बाकी rule अपनी जगह पर रहेगा. For example, वो कक्षा में क्यों नहीं आएंगे? Why will they not attend the class? WH family लगा है, not लगा है, rest is same. कल कौन नहीं आएगा? Who will not come tomorrow? Same subject नहीं है. WH से शुरू करेंगे, then helping verb, not, first form and other words. आप notes क्यों नहीं तैयार करेंगे? Why will you not prepare the notes? WH family beginning में, then are helping verb, subject, not, first form and other words. So that was will. Will plus first form.